प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मानव तस्करी रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में आज भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मानव तस्करी को रोकने से संबंधित एक समझौते को मंजूरी दी गई। इसके मुताबिक मानव तस्करी, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की और सऊदी अरब की सफल यात्रा पर उन्हें मुबारकबाद दी। प्रतिनिधिमंडल में शिया आलिम मौलाना कल्बे जवाद, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा और शाहिद सिद्दीकी शामिल थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर सरकार ग्रामोदय से भारत उदय योजना की करेगी शुरुआत। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश के महू से करेंगे इस 11 दिवसीय अभियान की शुरुआत। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने श्रीनगर एनआईटी के मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रीनगर में देश भर से पढ़ने आए छात्रों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि यहां स्थानीय और बाहरी छात्रों का मसला नहीं है। वेंकैया नायडू ने ये जानकारी आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद दी। 16 मई को तमिलनाडु में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने सभी 234 सीटों पर उसके नेतृत्व वाले गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची जारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट मायावती के खिलाफ सीबीआई द्वारा ताज़ा प्राथमिकी दायर करने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए हुआ सहमत। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मायावती को क्लीन चिट दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या के सहयोग नहीं करने के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। माल्या आईडीबीआई के 900 करोड़ से अधिक कर्ज जालसाजी के मामले में 3 बार समन भेजने पर भी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष नहीं हुए पेश। इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 8 राज्यों की 21 कृषि मंडियों के लिए ई ट्रेडिंग पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री ने विश्वास जताया कि देश भर की सभी कृषि मंडियों को तयशुदा समय से पहले ही इस पोर्टल से जोड़ लिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंजीनियरों और आर्किटेक्टों से आह्वान किया है कि वे इस तरह के मकान डिजाइन करें जिससे उनकी कीमत में भारी कटौती हो और वे लंबे समय तक चलें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार सबके लिए 2022 तक आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रख रही है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने कहा है कि फ्रांस चाहता है कि पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें सजा दे जो भारत पर हमले करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी को आतंकवाद के खिलाफ जंग में और अधिक काम करने की जरूरत है। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में बुधवार को एक निर्माण स्थल पर बड़ी क्रेन गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अभी भी लापता हैं। प्राथमिक जांच के मुताबिक तेज हवाओं के कारण एक क्रेन निर्माण स्थल पर स्थित झोपड़ियों पर जा गिरी जिसके कारण ये हादसा हुआ। कच्चे तेल की कीमत में नरमी से प्रभावित खाड़ी देशों से मनी ऑर्डर में कमी आने पर भारत समेत एशिया प्रशांत के कई देशों को मिल रहा फायदा बराबर हो सकता है। ये बात मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने आज कही। भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर से होने वाली आय का अच्छा खासा महत्व है। इसमें लंबे समय तक गिरावट से आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित होगी। इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स टेलर ने दिल की गंभीर बीमारी के चलते महज 26 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। टेलर के इस फैसले से पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया है। उनकी काउंटी टीम नॉटिंघम शायर ने इसकी घोषणा की। टेलर इंग्लैंड के लिए 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। वो 3 महीने पहले सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में इंग्लैंड के लिए खेले थे। आईपीएल पर बंबई उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 30 अप्रैल के बाद के सभी आईपीएल मैच महाराष्ट्र से बाहर कराए जाएं। उच्च न्यायालय के इस फैसले से महाराष्ट्र में होने वाले 13 मैच होंगे प्रभावित। मलेशिया के इपोह में चल रहे 25वें सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में आज न्यूजीलैंड ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारतीय टीम की प्रतियोगिता में ये दूसरी हार रही। भारतीय टीम को अब शुक्रवार को मलेशिया के खिलाफ मैच खेलना है। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को मलेशिया के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।